गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम इन मैथ्स क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 वर्कशीट 3, दैट इज रिलेटेड टू डिविजिबिलिटी रूल बाय 3, 9 एंड 11। फर्स्टली वी नो अबाउट डिविजिबिलिटी रूल बाय 3। कोई भी नंबर 3 का डिविजिबल तब बनेगा अगर उस नंबर के सभी डिजिट्स का सम डिविजिबल बाय 3 हो। इट मीन्स अगर हमें कोई नंबर दिया जाए तो हम सबसे पहले उस नंबर के डिजिट्स के सम को फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल 363 हमें नंबर गिवन है, इसके सभी डिजिट्स का सम हम फाइंड करेंगे। सो वी राइट सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 3 + 6 + 3, दैट इज इक्वल टू 12। अब हम 12 को 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर 0 बनेगा। सो वी कैन से दैट सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। यहां पर हमारा सम ऑफ डिजिट्स जो कि 12 बना था वो 3 से डिवाइड हो गया, इसीलिए गिवन नंबर 363 इज डिविजिबल बाय 3 होगा। सिमिलरली डिविजिबिलिटी रूल बाय 9। 9 से कोई भी नंबर तब डिविजिबल होगा जब उसके भी सभी डिजिट्स का सम डिविजिबल बाय 9 हो। फॉर एग्जांपल हम एक नंबर लेंगे 7281, इसमें भी हम सम ऑफ डिजिट्स फाइंड करेंगे, दैट इज 7 + 2 + 8 + 1। हमारे पास सम ऑफ डिजिट्स बनेगा 18। अब हम 18 को डिवाइड करेंगे 9 से क्योंकि हमें डिविजिबिलिटी बाई 9 फाइंड करना है। 9 × 2 = 18, यहां पर भी रिमाइंडर हमारा 0 बना। सो सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 9 हुआ। देयरफोर वी कैन से दैट गिवन नंबर 7281 इज डिविजिबल बाई 9। अब ध्यान रखें, जब भी हमें डिविजिबिलिटी बाई 3 और डिविजिबिलिटी बाई 9 चेक करनी हो तब हम सम ऑफ डिजिट्स फाइंड करेंगे। 3 के लिए अगर सम डिविजिबल बाय 3 बने तो गिवन नंबर भी डिविजिबल बाय 3 होगा। अगर सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9 बने तो गिवन नंबर भी डिविजिबल बाय 9 होगा। डिविजिबिलिटी रूल बाय 11। कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल कब होगा? जब आप गिवन नंबर के ओड प्लेस पर प्रेजेंट सभी डिजिट्स का सम निकालें और इवन प्लेसेस पर सभी डिजिट्स का सम निकालें। दोनों सम को माइनस करेंगे, मींस उनका डिफरेंस निकालेंगे, बड़े वाले सम में से छोटे वाले सम को माइनस करेंगे। अगर डिफरेंस 0 या आ मल्टीपल ऑफ 11 हो तो आप बोलेंगे कि गिवन नंबर डिविजिबल बाय 11 है, अदरवाइज नोट। यहां पर आ मल्टीपल ऑफ 11 का मीनिंग है 11 की टेबल को आप रिसाइट करेंगे, 11, 22, 33, 44, इनमें से कुछ भी डिफरेंस बने तो इसका मीनिंग होगा गिवन नंबर डिविजिबल बाय 11 है, अदरवाइज नोट। फॉर एग्जांपल हम एक नंबर यहां पर राइट करेंगे 1,38,56,722। हम पीछे से एक डिजिट पर सर्कल करेंगे, सेकंड को नहीं करेंगे, फिर उसके बाद थर्ड को करेंगे, फोर्थ को नहीं करेंगे। इस तरह से हम अल्टरनेट एक डिजिट पर सर्कल करेंगे और अगले वाले डिजिट को छोड़ेंगे, उससे नेक्स्ट डिजिट को सर्कल करेंगे और वेरी नेक्स्ट को फिर छोड़ देंगे। अब जिन डिजिट पर हमने सर्कल किया है वो डिजिट हमारे बनेंगे ओड प्लेस डिजिट, क्योंकि हमें पता है ओड नंबर 1, 3, 5, 7 होते हैं। पीछे से आपने फर्स्ट प्लेस आपका ओड होता है, सेकंड इवन होता है, थर्ड ओड होगा, फोर्थ इवन होगा, फिफ्थ ओड होगा, सिक्स्थ प्लेस इवन होगा, सेवंथ प्लेस ओड होगा और एट्थ प्लेस इवन होगा, एंड सो ऑन। अब हम जिन डिजिट पर हमने सर्कल किया है वो हमारे ओड प्लेस डिजिट हैं। पहले हम सम ऑफ डिजिट्स एट ओड प्लेस फाइंड करेंगे। ओड प्लेसेस वाले डिजिट का सम हमारे पास होगा
3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 17। सिमिलरली जिन डिजिट्स पर हमने सर्कल नहीं किया उनको हम बोलेंगे डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, इनका भी हम सम फाइंड करेंगे। सो वी राइट सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस इज इक्वल टू 1 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 17। अब हमें दोनों का डिफरेंस निकालना है। जब आप डिफरेंस निकालें तो आपने जो भी यहां पर सम बड़ा आए चाहे वो इवन का हो चाहे वो ओड का हो बड़े में से छोटे को माइनस करना है। जब दोनों इक्वल आए तब आप दोनों में से किसी को किसी में से माइनस कर सकते हैं। देयरफॉर डिफरेंस हमारे पास आएगा यहां पर 17 माइनस 17 दैट इज इक्वल टू 0। हमने डेफिनेशन में सीखा है अगर डिफरेंस हमारा 0 आए या मल्टीपल ऑफ 11 आए तब गिवन नंबर हमारा डिविजिबल बाई 11 होगा। क्योंकि यहां पर डिफरेंस हमारा 0 है दिस इंप्लाइज गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 11। लेट अस स्टार्ट वर्कशीट 3। क्वेश्चन नंबर 1, लुक एट द फ्लोइंग ग्रुप्स ऑफ नंबर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट के लिए हमें इनमें से वो नंबर पिक करने हैं जो डिविजिबल बाई 3 हो। हम डिविजिबल बाई 3 के लिए डिजिट्स का सम फाइंड करेंगे। अगर सम 3 से डिविजिबल हो तो गिवन नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। फर्स्ट नंबर के लिए डिजिट्स का सम होगा 26, क्योंकि 26 3 से डिवाइड नहीं होता इसीलिए फर्स्ट नंबर हमारा डिविजिबल बाई 3 नहीं होगा। सेकंड नंबर में डिजिट्स का सम हमारे पास आएगा 32, 32 भी 3 से डिवाइड नहीं होता इसीलिए सेकंड नंबर भी डिविजिबल बाई 3 नहीं होगा। थर्ड नंबर डिजिट्स का हम सम फाइंड करेंगे वो हमारे पास होगा 18, 18 3 से डिवाइड होता है सो थर्ड नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इसलिए हम थर्ड नंबर को ब्लैंक्स में राइट करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर में भी हम सम ऑफ डिजिट्स फाइंड करेंगे वो होगा 12, 12 हमारा 3 से डिवाइड होता है सो फोर्थ नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3 सो इसे भी हम ब्लैंक्स में राइट करेंगे। बी पार्ट, बी पार्ट के लिए हमें वो नंबर्स पिक करने हैं जो डिविजिबल बाई 9 हो। डिविजिबल बाई 9 के लिए भी हम डिजिट्स का सम फाइंड करेंगे। अगर सम 9 का डिविजिबल हो तो गिवन नंबर भी हमारा डिविजिबल 9 होगा। सो फर्स्ट नंबर में हम डिजिट्स का सम फाइंड करेंगे वो आएगा 27 और 27 9 से डिवाइड होता है इसीलिए फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाई 9 होगा इसीलिए हम इसे ब्लैंक्स के अंदर राइट करेंगे। सेकंड नंबर में हम डिजिट्स का सम फाइंड करेंगे वो इक्वल रहेगा 20, क्योंकि 20 9 से डिवाइड नहीं होता इसीलिए सेकंड नंबर डिविजिबल बाई 9 नहीं होगा। थर्ड नंबर, इसमें हम अगर डिजिट्स का सम फाइंड करते हैं तो वो आएगा 32, क्योंकि 32 भी 9 से डिवाइड नहीं होता इसीलिए थर्ड नंबर डिविजिबल बाई 9 नहीं होगा। फोर्थ नंबर, सम ऑफ डिजिट्स बनेगा 27, क्योंकि 27 9 से डिवाइड होता है इसीलिए फोर्थ नंबर भी डिविजिबल बाई 9 होगा सो इसे हम ब्लैंक्स के अंदर राइट करेंगे। पार्ट सी, पार्ट सी में हमें वो नंबर पिक करने हैं जो डिविजिबल बाई 11 हो। यहां पर डिविजिबिलिटी बाई 11 के लिए हम ओड प्लेस और इवन प्लेस डिजिट का सम निकालेंगे फिर उनका डिफरेंस फाइंड करेंगे। ओड प्लेसेस हमारे हमने रेड अंडरलाइन किए हुए हैं, रेड मार्क लगाया हुआ है और उनका सम भी रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है। ओड का हमारे पास सम बनेगा फर्स्ट नंबर में 12 और इवन के लिए हमारा सम बनेगा 9, डिफरेंस निकालेंगे 3, क्योंकि 3 0 और 11 के मल्टीपल में से कोई भी नंबर नहीं है इसीलिए फर्स्ट नंबर हमारा डिविजिबल बाई 11 नहीं होगा। सेकंड में हम ओड प्लेसेस वाले सभी डिजिट्स का अगर सम निकालेंगे तो वो हमारे पास होगा 12 और अगर हम इवन प्लेसेस पर प्रेजेंट सभी डिजिट्स का सम निकालेंगे वो आएगा हमारे पास
12 में से 12 को माइनस करेंगे, डिफरेंस बनेगा 0। अगर डिफरेंस 0 है तो हमें ऑलरेडी लर्न है कि गिवन नंबर डिविजिबल बाय 11 होगा, इसीलिए हम इसे ब्लैंक्स के अंदर भी राइट करेंगे। थर्ड में भी हम ओड प्लेस डिजिट्स का सम फाइंड करेंगे, वो हमारे पास बनेगा 14। और इवन प्लेस पर जो हमारे डिजिट्स प्रेजेंट हैं वो हमारे पास सम बन देंगे 17। अब इवन वाला सम बड़ा है, ओड वाला सम छोटा है, तो हमने बड़े में से छोटे को माइनस करना है जब हम डिफरेंस निकालें। सो 17 - 14 इज इक्वल टू 3, क्योंकि 3 भी 0 और 11 के मल्टीपल में से कोई भी नंबर नहीं है, इसीलिए थर्ड नंबर हमारा डिविजिबल बाय 11 नहीं होगा। एंड फोर्थ नंबर, इसमें भी हम ओड प्लेस वाले सभी डिजिट्स का सम निकालेंगे, वो आएगा हमारे पास इक्वल टू 17। एंड इवन प्लेस पर प्रेजेंट सभी डिजिट्स का अगर हम सम निकालेंगे वो बनेगा 17। 17 - 17 डिफरेंस बनेगा हमारे पास 0। सो फोर्थ नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पिक आउट द नंबर्स फ्रॉम द फ्लोविंग दैट आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9। हमें वो नंबर पिक करने हैं जो डिविजिबल बाय 3 हो परंतु डिविजिबल बाय 9 ना हो। ए पार्ट 38,721। दोनों की डिविजिबिलिटी के लिए हमें सम ऑफ डिजिट्स फाइंड करना है, सो यहाँ पर सम ऑफ डिजिट्स बनेगा 3 + 8 + 7 + 2 + 1 इज इक्वल टू 21। अब हम 21 को 3 से डिवाइड करेंगे और राइट हैंड साइड पर 21 को 9 से भी डिवाइड करेंगे। 3 से 21 डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 देगा, इसका मीनिंग है 21 इज डिविजिबल बाय 3। एंड 21 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 नहीं देता, इसीलिए हम कह सकते हैं 21 इज नॉट डिविजिबल बाई 9। देयरफोर गिवन नंबर 38,721 इज डिविजिबल बाई 3 बट नॉट बाई 9। आंसर बी पार्ट में हमें नंबर दिया गया है 4,22,679। यहां पर भी हम सम ऑफ डिजिट्स फाइंड करेंगे, दैट इज इक्वल टू 30। अब 30 को हम 3 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 10 = 30। वैसे आपको लर्न भी हैं, डिवाइड करके आप दिखा भी सकते हैं, 3 × 1 = 3। माइनस करेंगे 0, नेक्स्ट डिजिट नीचे उतारेंगे 0, हमारे पास नया डिविडेंड बनेगा 0 जो कि डिवाइजर से छोटा है, इसीलिए हम 0 को कोशेंट में लगाएंगे और यहाँ पर जो डिजिट बना है स्मॉलर देन डिवाइजर वो हमारा रिमाइंडर बन जाएगा। एंड 30 को हम 9 से डिवाइड करेंगे, 9 × 3 = 27, 3 रिमाइंडर बनेगा। 3 से हमारा डिविजिबल बना सम और 9 से डिविजिबल नहीं बना। देयरफोर वी कैन से दैट 4,22,679 इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9। आंसर सी पार्ट में हमें नंबर गिवन है 61,10,586। यहाँ पर भी सम ऑफ डिजिट्स फाइंड करेंगे, दैट इज इक्वल टू 27। अब 27 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 0 मिलेगा। सिमिलरली 27 को हम 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर यहाँ पर भी हमें 0 मिलेगा। सो दोनों ही केसेस में हम कह सकते हैं 27 इज डिविजिबल बाय 3 एंड डिविजिबल बाय 9। देयरफोर गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड 9। पार्ट डी 2,57,796। सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे, 2 + 5 + 7 + 7 + 9 + 6 इज इक्वल टू 36। अब 3 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, इसके लिए हम 36 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 1 = 3, 6 को नीचे उतारेंगे, 3 × 2 = 6, रिमाइंडर बनेगा 0। इट मीन्स 36 इज डिविजिबल बाई
3। अब हम 9 के लिए डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। इसके लिए 36 जो हमारा सम था उससे हम उसको हम 9 से डिवाइड करेंगे। 9 4 जा 36, यहां भी रिमाइंडर 0 बनेगा। इट मीन्स 36 इज डिविजिबल बाय 9। देयरफोर गिवन नंबर 257,796 इज डिविजिबल बाय 3 and 9। आंसर क्वेश्चन नंबर 3। टेस्ट द फॉलोइंग फॉर द डिविजिबिलिटी बाय 3 and 9। अब हमने यहां पर भी 3 और 9 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट करने हैं। ए पार्ट 294,414। सम ऑफ डिजिट्स फाइंड करेंगे, दैट इज इक्वल टू 24। अब हम 3 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। इसके लिए सम को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 8 जा 24, रिमाइंडर 0 बनेगा। इट मीन्स 24 इज डिविजिबल बाई 3। अब हम 24 को 9 से डिवाइड करेंगे। 9 2 जा 18, रिमाइंडर इज इक्वल टू 6। इट मीन्स 24 इज नॉट डिविजिबल बाई 9। देयरफोर गिवन नंबर 294,414 इज डिविजिबल बाई 3 बट नॉट बाई 9। आंसर बी पार्ट 1,45,404। फर्स्टली हम सम ऑफ डिजिट्स फाइंड करेंगे, दैट इज इक्वल टू 1 + 4 + 5 + 4 + 0 + 4। सभी को प्लस करेंगे, हमारे पास आंसर बनेगा 18। अब हम सम को डिवाइड करेंगे 3 से और 9 से। 3 से अगर 18 को डिवाइड करते हैं, 3 6 जा 18, रिमाइंडर 0 बनेगा। इट मीन्स 18 इज डिविजिबल बाई 3। सिमिलरली अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं 18 को, 9 2 जा 18, अगेन रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 18 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 9। देयरफोर गिवन नंबर 1,45,404 इज डिविजिबल बाई 3 and 9। आंसर पार्ट सी 99,999। फर्स्टली फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स, दैट इज इक्वल टू 9 + 9 + 9 + 9 + 9 इज इक्वल टू 45। हम सम को फर्स्टली 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, माइनस करेंगे 1, नेक्स्ट डिजिट को नीचे उतारेंगे 15, 3 5 जा 15, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 45 इज डिविजिबल बाई 3। एंड 45 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 5 जा 45, अगेन रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 45 इज डिविजिबल बाई 9 ऑल्सो। देयरफोर 99,999 इज डिविजिबल बाई 3 and 9। आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।